स्टार्टअप वो नहीं है जो चार पिलर्स पे खड़ा हो, बल्कि स्टार्टअप वो है जो चार पहियों पे ठेले पे चलता हो। जैसे डोली चाय वाला, MBA पानीपुरी वाली, MA चाट पकौड़ी वाली, CA सिकंजी वाली, आंटी के मोमोज, दीदी का वड़ा पाव। और इन सारे ठेले वाले स्टार्टअप्स में मुझे जो सबसे अच्छी चीज लगती है वो है लोगों का पर्सपेक्टिव। अगर MBA की डिग्री करने के बाद ठेला लगाने वाली एक महिला है तो लोगों के अकॉर्डिंग वो इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशियंट है, सेल्फ अर्नर है, एकदम आज की नारी है। लेकिन वहीं अगर ठेले के पीछे वाला चेहरा किसी मर्द का है तो सबसे निकट्टू है, छपरी है, जोकर है, कार्टून है, बेरोजगार है, दुनिया में उसका कोई काम नहीं, मतलब सबसे बड़ा लूजर वही है। वैसे मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, मैं हर एक वीडियो में एक स्पेशल प्राइज लेके आ रहा हूँ तुम लोगों के लिए। तुम बाजी मार पा रहे हो नहीं मार पा रहे, जो असली खिलाड़ी है भाई उन्होंने तो बाजी मार ली, इनसे मिलो। ये है नरेंद्र सिंह बघेल, इन्होंने जीत लिया ब्रांड न्यू iPhone 15, वो भी सिर्फ ₹1 में। हर वीडियो में एक नया iPhone विनर बन रहा है, तुम भी जीत सकते हो, बस वीडियो पूरी देखते रहना। हम कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं। पर भाई वो चाय। डोली भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, सच में दिल से बहुत बड़ा फैन हूँ, आपकी हर रील देखने आता हूँ गाली देने के लिए। जब से बिल गेट्स से मिलके गया ना, इसके एक्स तब से डबल भारी हो चुके, चाय कम देते ज्ञान ज्यादा, और इसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि हमारा पूरा देश मालदीव्स को बॉयकॉट कर रहा है, ये घूमने वहीं जा रहा है। इसको साले को बॉयकॉट करने को भी नहीं बोल सकते, वरना उल्टा यही क्लाउड ले जाएगा। जब तक चाय बेच रहा ना तब तक ही ठीक था, पता नहीं इसकी सक्सेस की कामना किसने कर दी। अब कहीं तो एनिमी टेरिटरी में जा रहा है, फ्लाइट में जा रहा है तो एरोस्टेज छेड़ रहा है। दूसरी कंट्री में कोई फेमस होता है ना तो उसकी फेम का पता चलता है उसकी ब्रांड एंडोर्समेंट से, बट हमारी कंट्री में थोड़ा उल्टा है। यहाँ पे फेम का पता चलता है कि आदमी के साथ कितनी एयरोस्टेस ने फोटो खिंचाई। अपना दोस्तों मैं राजवल बिहार समस्तीपुर से। आजकल इंडिगो की एयरोस्टेस फ्लाइट में खाना नहीं बांटती, ना 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 ना, आजकल वो फेम सर्टिफिकेट बांट रही है हमारे इंडिया के सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को। पर भाई दूध में पत्ती लगाने के बाद ये सब काम करोगे ना तो लोग सच में मुंह देंगे अपनी कॉलेज डिग्री पे। अब तो डोली का टाइम ऐसा बदल गया कि उसको अपने चाय के ठेले पे भी बॉडीगार्ड रखने पड़ रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये बॉडीगार्ड डोली को उसके फैन से बचाने के लिए नहीं है, फैंस तो है ही नहीं, बल्कि इसने बॉडीगार्ड इसलिए रखे हुए हैं कि इसकी ₹30 की मधुमुठल चाय पीने के बाद लोग जो इसको मारने आते हैं उनसे छुटा लें। कहावत थी कि सड़क से उठा के स्टार बना दूंगा, बट इसको तो बिल गेट्स स्टार बना के सड़क पे ही छोड़ गया। भाई इसको सड़क से सच में कोई उठा के ले जाओ। कुछ लोग आए थे हमारे चाय के टपरी पर और चले गए थे हमको छपरी बोलकर, ये तो मेहनत का फल है ना साहब। आ गए ना सीधा बिल गेट्स सर को चाय पिलाकर। बिल गेट्स हु? इट्स बिल गेट्स। इस अकेले बंदे ने ना इंडिया के पूरे एजुकेशन सिस्टम को चैलेंज किया हुआ है इस टाइम। अब तो मुझे अपने कवर से एक इस रंग की शर्ट भी उठा के फेंकनी पड़ेगी। साला कुछ फायदा तो कर नहीं रहा, नुकसान और उल्टा कर रहे रील्स बना बना के कपड़ों में। हेलो भैया, वो चाय लगाने के लिए ठेला कितने का आएगा? जी 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 भैया, और एक वो पतली सी चुस्त पजामे भी चाहिए मुझे, और मोर के पंख भी चाहिए होंगे बालों में लगाने के लिए, और एक स्प्लेंडर की हेडलाइट जैसा पीला बड़ा चश्मा। जी भैया जी, मुझे कल सुबह तक भिजवा दो भैया, मुझे भी लैम्बो लेनी है। चलिए तो अब बात करते हैं कि आप कैसे जीत सकते हो ब्रांड न्यू iPhone 15, वो भी सिर्फ ₹1 में। सीक्रेट है आपका क्रिकेट क्रेज। 3 अप्रैल को टाटा IPL में मैच है दिल्ली और कोलकाता के बीच। आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके माय 11 सर्कल ऐप डाउनलोड करनी है और उसमें अपनी टीम बनानी है। डाउनलोड करके गिव अवे कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो और पाओ मौका जीतने का iPhone 15। और इस कॉन्टेस्ट की एंट्री फीस है सिर्फ ₹1। ये कॉन्टेस्ट सिर्फ 3 अप्रैल के मैच के लिए वैलिड होगा और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके ही एक्टिवेट होगा। पहले वाला मिस कर दिया था तो ये वाला मिस मत करना। टूर्नामेंट के हर एक मैच में मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करो जिसमें फर्स्ट प्राइज है मिनिमम 1 करोड़, तो सोचो और कितने बड़े बड़े प्राइजेस होंगे। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर डाउनलोड करो और मेरा कूपन कोड Lakshya23 यूज करो फॉर 20% एक्स्ट्रा कैश ऑन योर फर्स्ट डिपॉजिट। मैं तो अपनी टीम बनाने जा रहा हूँ दिल्ली वर्सेस कोलकाता मैच के लिए, तुम कहीं पीछे मत रह जाना। और हाँ, इस बार माय 11 सर्कल ऑफिशियल पार्टनर भी है टाटा IPL का। एंड में जो समझ में यही आता है कि आप अच्छे हैं, इवेंचुअली अच्छा होगा आपके साथ। आपने किसी का बुरा नहीं किया, आपने किसी के साथ कुछ गलत नहीं किया। इसका मतलब दीदी आपके साथ जो इतना बुरा हो रहा है, लोग आपको इतना परेशान कर रहे हैं, मतलब भूतकाल में आपने भी कुछ गलती किया होगा। और सच में अब तो मुझे रोते हुए इंसान को देख के भी कोई मतलब मेरे अंदर से सिंपैथी नहीं निकलती, क्योंकि जब से IPL शुरू हुआ है लोगों का थोड़ा इन ठेले वेले से ध्यान भटका है, तब से दीदी दिन में 2 बार रो रही है फॉर बेटर एंगेजमेंट। नमस्कार दोस्तों, आपका भाई दिल्ली की फेमस वड़ा पाव गर्ल के पास खड़ा हुआ है। तो भाई आप सामने देख सकते हो जमकर जो क्राउड आप ये देख रहे हो, सारा का सारा ये क्राउड है वड़ा पाव खाने के लिए। तेल का भाई यार तुम तो झूठ मत बोले यार, तुमसे तो मुझे उम्मीद नहीं थी। देखो उनके हाथ में कोई कटोरी वटोरी पैसे नहीं है बल्कि मोबाइल फोन है। आजकल की दुनिया की यही दिक्कत है यार, आधो का तो वाला सीन है भाई, कॉर्पोरेट बस 2 साल कर रहा हूं उसके बाद अपना ही बिजनेस डालना है और बाकियों को आर्टिस्ट बनना है। अब बिजनेस वालों को तुम्हें पता चली गया इनका स्टार्टअप ठेला लगा के खड़ा होना है, बाकी जो आर्टिस्ट है वो ₹500 के चक्कर में सुबह मोबाइल लेके
लेके अपना यूट्यूबर बनना है, उन्हीं के ठेले पे पहुंच जाते हैं। ये इनका ठेला इतना अच्छे से ठेला बनाने वाले ने देखा जितने अच्छे से मैं देख चुका, हर एंगल से हर तरफ से सारी बारीकी पता है मुझे ठेले की। अभी कहो तो स्केच ड्रॉ करके दिखा दूं। अब तो मैं इस वड़ा पाव दीदी की भी जीरो गलती मानता हूं यार, अगर सुबह से शाम तक मुझे कोई इतना इरिटेट करे ना भाई, वो कढ़ाई में से चमचे निकाल के उसकी कमर में ही दे दूं। मिर्ची अनलिमिटेड जा रही है क्या तू कंपनी की? कल हाँ तो मैडम वड़ा पाव ढंग का बनाया करो ना, लोग तो फिर चटनी और मिर्ची लेके जाएंगे ना जब मेन डिश में टेस्ट नहीं आएगा। तो भैया डोसा बना के दिखाइए। ये देखिए जी, सबसे पहले भैया ने पानी छींटा है। भैया कितने टाइम से बना रहे हैं आप? 2 बजे से चालू करते हैं। नहीं, एकदम 100% बढ़िया आंसर दिया है भैया ने, एकदम बढ़िया। ये फूड ब्लॉगर अपने 4 क्वेश्चन से बाहर ही नहीं आ पा रहे। भैया क्या बना रहे हो, भैया क्या डाल दिया, भैया सीक्रेट मसाला क्या है, भैया कब से कर रहे हो। एक फूड ब्लॉगर तो साक्षात गोलगप्पे के ठेले पे खड़ा होकर पूछ रहा है भैया क्या बेच रहे हो। अबे तेरी मम्मी के बराबर बेच रहा है वो, तू आज के दिन आया इसका, बल्कि तू आज के दिन उठ के ठंडे पानी से सुबह 9 बजे आया ही इसलिए था, घर से निकला इसलिए था कि चिंटू भाई के मशहूर गोलगप्पे जो आजकल इंस्टाग्राम रील पे ट्रेंडिंग है मुझे वहां जाके व्लॉग बनाना है, और उसके ठेले पे आके ये पूछ रहा है भैया क्या बेच रहे हो, आंट के पकोड़े बेच रहे, खाएगा? कितने की बन गई? 50 की। खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? काउंटर पे आना पड़ेगा। मैंने ना अपनी लाइफ में कई सारी रील्स पे जाके कमेंट किया है कि दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। अब मैं सोच रहा हूँ जाके सब जगह से डिलीट कर दूं। भाई ने अपनी पूरी फ्लाइट जर्नी पे आई हुई हर एक औरत को अपनी कैमरे की नजर से छेड़ा है। डोली तू मुझे कभी ट्विटर पे मिल नहीं, मुझे पता है तू इतना पढ़ा लिखा नहीं, ट्विटर पे कभी आएगा नहीं, कभी आए ना तू मेरी सबसे फेमिनिस्ट साइड देखेगा वहां पे, तुझे कैंसिल मैं ही करूंगा। कौन कहता है एक चाय बेचने वाला रोज रॉयल नहीं खरीद सकता है? वक्त बदलने में वक्त नहीं लगता है दोस्तों, तुम मेहनत तो करो। हाँ चल चल चल, अब इस रोज रॉयल से उतर के बाहर आ जा। कौन नहीं कहता, कौन नहीं सुनता, कौन कहता भाई, सब कहते हैं, सही कहते हैं, तूने खुद भी नहीं ली हुई वो, और सही बोल रहा है भाई, वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता। डोली वक्त बदलने में टाइम नहीं लगता, सुन रहा है ना डोली, सुन रहा है ना जो तूने बोला है। और रही बात मेहनत करने की, सबसे पहले तू खुद पे अप्लाई कर वो, अब तो मेहनत शुरू कर दे बकचोदी कम करके। 2 हफ्ते हो गए तेरे ठेला लगाए हुए वहां चाय का, तेरे कस्टमर तेरा वेट देख रहे हैं गाली बकने के लिए। ये बिल गेट्स तुझे देखे गए हो ना, इस अय्याशी में 2 महीने में खत्म हो जाएगा, वापस आ जा जल्दी। चिप्स से बना हुआ भस्मासुर गोलगप्पा, अभी जा रहा पानीपुरी का सबसे तीखा पानी बनने पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया का जो खाएगा उसके साथ घटना करेगी। अच्छा पटना की MDH की मिर्च डाल रहा हूँ, और दुनिया का सबसे तीखा चिप्स भैया। एक काम करना भाई, इतनी मेहनत क्यों कर रहा है, वो MDH का तीखी मिर्च का पैकेट आता है ना, उसमें 4 बूंद घोल और वही पिला दे कस्टमर को। जब तेरा फाइनल गोल कस्टमर के चूतड़ से छोले निकलवाने का ही है, तो ये सब घोल के क्यों एक्टिंग कर रहा है, सीधा सीधा उसके पिछवाड़े में मिर्ची का पेड़ बो दे। मेरे जैसा वड़ा पाव कोई दिल्ली में बना ही नहीं सकता है। तो मैम दिल्ली में तो ऑलरेडी वड़ा पाव बड़ा फेमस हो रखा है, आप क्या स्पेशल कह रहे हो यहाँ पे? सर वड़ा पाव तो आपको सब जगह मिल जाएगा, गली नुक्कड़ पे हर जगह मिल जाएगा, मगर जो टेस्ट होता है ना वो हर कोई नहीं दे सकता। पहली बात तो दीदी आपने वो पुरानी स्क्रिप्ट का प्रिंट आउट उठा के बोल दिया कि मेरे जैसे वड़ा पाव पूरी दिल्ली में कोई नहीं बनाता, मुंबई के मशहूर वड़ा। अरे मुंबई में खुद ओवररेटेड चल रहे हैं आजकल वड़ा पाव यार, वहां कोई नहीं खा रहा, दिल्ली में इतना वड़ा पाव खाने वाले कहां से आ गए, गरीब। और जब ये सब कुछ एकदम साधारण है लाइक बेसन प्याज टमाटर मसाला, तो हर ठेले पे अलग अलग स्पेशल स्वाद कहां से आ रहा है? मैं बताऊं रेसिपी सबकी सेम है, बस वो हाथों का मैल अलग अलग है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स आजकल कुछ भी कर सकते हैं, जैसे डिग्री कंप्लीट करके MBA करना या फिर अपना स्टार्टअप शुरू कर देना। ऐसे एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने स्टार्ट किया है अपना फास्ट फूड वेंचर इन नागपुर। वी ट्राइड दिस कुल्लड़ पिज्जा फॉर जस्ट ₹99, द टेस्ट वाज प्रीटी गुड। टेस्ट तो प्रीटी गुड हो गई, भाई ने अपने नखूनों में सीक्रेट मसाला जो भरा हुआ है। और मुझे ना ये किसी भी ठेले लगाने वाले से ना कोई दिक्कत नहीं है, कुछ ही दें डायरिया परोसें, पर मुझे कोई ये बताओ कि ये ठेले 10वीं के बाद क्यों नहीं लग रहे? नहीं इनके लिए BTech MBA कुछ मैंडेटरी की हुई है क्या, या मुझे लग रहा है BTech MBA में 20-25 लाख रुपए लेके पढ़ाई वढ़ाई तो कुछ नहीं हो रही, वहां पे कोई सीक्रेट मसाला दिया जा रहा है, या ठेलों के टायर बनाने सिखा रहे हैं कि उसके बाद ही ठेला लग पाएगा, लाइसेंस ठेलेगा तभी आएगा। ये साले अपने सीरियस माँ बाप का नाइटमेयर है। डोली के लिए मेरे दिल में जो 1-2% रिस्पेक्ट है ना, वो सिर्फ इसीलिए है कि डोली का बचपन से सपना चाय बेचने का ही था, वो इसलिए बचपन से एकदम निखट्टू अनपढ़ रहा, उसने कभी ढोंग नहीं है कोई ढकोस, वो आधे दिन भी स्कूल नहीं गया। इधर से साइड से ले, अरे साइड से ले, पास से कैसे, वो सामने से लेगा तो दिखता है, वो मुंह लगते हुए कभी बैक साइड से लेना, मुझे थोड़ा बाद में लेना।
डोली एक चाय देना, नहीं मसाला मार के नहीं थूक मार के, थूक हक दे उसमें कब्ज वाला एकदम, पाद मार के दे उसको उबाला भी, 30 रुपए दे के लोग इसके पास चाय पीने थोड़ी, इसके थूक के बीच में थोड़ी सी चाय पत्ती मुंह में आ जाए इसलिए आते हैं। वो कोई महापुरुष कह के गया था ना, हंस चुकेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा, उसमें कौवा डोली था। गोलगप्पे बड़े तरीके से खाए जाते हैं और बड़े प्यार से, एक एक गोलगप्पे के अंदर अंडों को डाल के बनाना, आइएगा बनाएंगे। ये गोलगप्पे रखे हुए हैं मेरे पास, अंडे भी तैयार हैं, ये प्याज जल गई, ये थोड़ी सी स्वाद अनुसार मिर्चें, फिर अदरक टमाटर। अबे गोलगप्पे बोले थे अंकल, ये आलू के पराठे क्यों बना रहा है? गोलगप्पे दे, ये भेलपुरी खानी होगी तो मैं उसके पास जाऊंगा ना, वो चने वने नींबू छोड़ के जो देता है टमाटर प्याज में, 5 रुपए में खा खाऊंगा, तेरे यहाँ क्यों आऊंगा ढकोसले देखने। थोड़े दिनों में ना यही लोग कुछ अलग करने के, कुछ अलग थलग, कुछ बढ़िया एकदम गंदा सा कुछ बनाएंगे। तुम इनके यहाँ जाके मांगोगे भैया भटूरा देना, तो एक खीर देंगे, भैया ये खाओ लिक्विड भटूरा, नहीं भाई मेरे को वही भटूरा खाना है जो हम राजा महाराजाओं के जमाने से खाते आए हैं। मेरी बस मुझे इसमें नजर होती है, अगल बगल क्या हो रहा है मुझे नजर नहीं, तो किसी का पेट का चीन के नहीं अपना कमा रहे, मेरा बच्चा है भाई, बद्दुआ उसको लगती है। नहीं वड़ा पाव खिलाने हैं कि नहीं बता दो, इतने ड्रामे तो मुंबई के दिन के तुमसे ट्रिपल वड़ा पाव बेचने वाला नहीं करता। इधर ठेले पर वड़ा पाव कम मिलते हैं, ड्रामे ज्यादा मिलते हैं, और एक वड़ा पाव 50 का, जिस मुंबई के मशहूर वड़ा पाव बोल के बेच रहे ना वहाँ मैक्सिमम 20 का मिलता है। पर कोई बात नहीं, फिर भी अपने पेशेंस होल्ड करके सुबह से खड़ा हूँ ना, अब मुंह बंद करो फटाफट 4 वड़ा पाव लगा के दो। हाय गाइस, मैं हूं नागपुर का डोली चाय वाला, मैं हूं दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। हां तो मैं क्या करूं, सलमान कटरीना थोड़ी हो, एक नंबर के छपरी हो, तुम दोनों का खाना एक नंबर का ओवररेटेड है। अब बताओ आगे, क्योंकि ये दीदी का जो काम है और जो मेरा काम है, दिन भर खड़ा रहता हूं, लोगों को चाय पिलाता हूं, और ये अपनी मेहनत से बने हम लोग। अपनी मेहनत से नहीं, तुम दोनों का एक डाउट क्लियर कर देता हूं, तुम दोनों फूड ब्लॉगर्स की डेस्परेशन से बने हो। आजकल किसी को एक आध महीने के लिए थोड़े व्यूज के आ जाए उसको लगता है भाई वो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिक फिगर बन गया, नहीं लोग तुम्हें गिल्टी प्लेजर में जब टाइम पास करना होता है तब देखते हैं। सीरियसली ये मेरे अभी रोल मॉडल है, रोल मॉडल डोली, ये किसी सेकंड हैंड केटीएम के यूज्ड स्पेयर पार्ट बेचने वाली दुकान का मेल मॉडल हो सकता है, पर रोल मॉडल कतई नहीं। सोचो आप अपने लाइफ में कितने गलत ट्रैक पे चल रहे होंगे अगर आपको अपना रोल मॉडल डोली चाय वाला लग रहा हो। और मेरा बहुत बड़ी किस्मत है कि मैं इनसे मिल सकी। डोली से मिलना कोई इतना भी मुश्किल नहीं है, नागपुर में थाने के बाहर ही अपना ठेला लगाता है ये, और इसको कोई किस्मत की बात नहीं बल्कि लोग खराब किस्मत बोलते हैं कि सुबह सुबह डोली दिख गया। चलो फटाफट दोनों अपनी रेडी निकालो, देखो शाम होती आ रही है, पैसे भी तो कमाने। ये सारी बड़ी बड़ी बातें एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप वाली ना कल करेंगे, सुबह अच्छी लगेंगे ये सब। आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, अगर तुमने अभी तक भी मेरे को इंस्टाग्राम पे लक्ष्य ओनली फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना हमारा ब्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी ब्लॉग, काफी कॉन्ट्रोवर्शियल ब्लॉग आ रहे हैं भाई, जाके देख लेना हमारा लाइव चैनल किंग्स आर लाइव, जैसे ये वीडियो लाइव जाएगी उसी दिन शाम को हम लाइव आने वाले हैं, वो भी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ 3 अप्रैल को दिल्ली और कोलकाता के बीच में मैच है, माइल एंड सर्कल ऐप डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अपनी टीम बनाना ना भूलें क्योंकि वहां पे आपको मौका मिल सकता है आईफोन 15 जीतने, वो भी सिर्फ 1 रुपए में, और भी बहुत सारे कैश प्राइजेस, एसयूवी कार और बहुत कुछ। डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में तुम्हें लिंक और मेरा कूपन कोड दोनों मिल जाएंगे।